हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी कातला माछेर भापा। ये ट्रेडिशनल बंगाली फिश करी है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही अनोखा है। बेसिकली ये एक स्टीम्ड फिश करी है, वेरी डिलीशियस, पर इसे बनाना इतना इजी है कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। इसे बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया जाता है। जस्ट देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही है, आ रहा है ना मुँह में पानी। तो चलिए झटपट देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो कातला माछेर भापा बनाने के लिए मैंने कातला फिश ले लिया है। ये एक 10 किलो का कातला फिश के पीसेस हैं। ये मछली के पेट का हिस्सा है। ये पीसेस सबसे टेस्टी होता है और इसमें कांटे नहीं होते हैं। इस फिश पीसेस को मैंने बहुत ही अच्छे से धोकर रख लिया है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस लगा लूँगी, इसमें फिश का जो स्मेल है वो चला जाएगा। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। दस मिनट बाद मैं इन मछलियों पर नमक और हल्दी पाउडर लगाकर मैरिनेट करूंगी। तो इसके लिए मैं फिश पीसेस पर थोड़ा सा नमक डालूंगी, साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी डाल दूंगी। अब नमक और हल्दी पाउडर को मछली के पीसेस पर रब कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से चारों तरफ से नमक और हल्दी पाउडर लगा लेना है। नमक और हल्दी पाउडर मैंने लगा लिया है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे मैरिनेट करूंगी। तब तक चलिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है। पैन को अच्छे से गर्म करके मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून कच्ची घनी सरसों का तेल डालूंगी। सरसों के तेल में ही ये फिश करी का टेस्ट खुलकर आता है, किसी और तेल में इसे मत बनाइए। तेल को पैन में अच्छे से फैला देंगे, तेल को धुआं आने तक गरम करेंगे। अब मैं इसमें एक छोटे चम्मच कलौंजी डाल दूंगी। कलौंजी को कुछ सेकंड तक पकाकर मैं इसमें एक छोटे साइज़ के प्याज को ऐसे लंबे टुकड़ों में बारीक काट कर डाल दूंगी। मैं इसे अच्छे से हिलाते हुए 1 मिनट तक पका लूंगी। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक अच्छा सा कलर आ जाए उतने तक ही पकाना है, और प्याज नरम हो जाए ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए प्याज में एक हल्का सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें 2 ग्रीन चिलीज़ को स्लिट करके डाल दूंगी। इसे भी कुछ देर तक पका लूंगी। अब देखिए प्याज में एक अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसमें 1/2 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। इसे भी कुछ देर तक भून लेंगे जब तक कि इसका रॉ स्मेल चला ना जाए। तो प्याज तैयार है। अब देखिए कातला माछ बनाने के लिए मैंने एक ऐसा टिफ़िन बॉक्स ले लिया है। भापा ऐसे ही ढक्कन वाले कंटेनर में बनाया जाता है। अब जो प्याज हमने पकाया था उसे इस टिफ़िन बॉक्स में डाल दूंगी। अब इसी के साथ मैं इसमें काजू का पेस्ट डालूंगी। 8 से 10 काजू को ब्लेंडर में डालकर थोड़ा सा पानी मिलाकर एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। आप इसके बदले खसखस का पेस्ट भी डाल सकते हो। अब इसके साथ डाल रही हूँ काले सरसों का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड को थोड़ा सा पानी और नमक मिलाकर पेस्ट बनाकर फिर इसे छानकर मैं यूज़ कर रही हूँ। सरसों को नमक मिलाकर पेस्ट बनाने से उसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। तो सरसों का पेस्ट भी डाल दिया है। अब हमें दही चाहिए। तो देखिए 3 बड़े चम्मच दही को मैं इस बोल में
निकाल लूंगी। दही को अच्छे से फैट कर मैं इसे टिफिन बॉक्स में डाल दूंगी। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक हम ग्रेवी में जितना नमक चाहिए उतना ही डालेंगे। साथ ही साथ मैं इसमें 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी। 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल दूंगी। अब इसमें 3 ग्रीन चिली स्लिट करके डालेंगे। अब सभी मसालों को अच्छे से मिला देते हैं। अब इसमें लगभग 1 कप या 200 ml पानी ऐड करूंगी। पानी को मिला देते हैं मसालों में। अब मैं इसमें इस डिश के लिए जो सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट है यानी मस्टर्ड ऑयल डालूंगी। यहाँ मैंने 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। मस्टर्ड ऑयल को भी मसालों में अच्छे से मिला देते हैं। तो मसाला बिल्कुल तैयार है। अब देखिए फिशेस मैरिनेट हो चुकी है। अब मछलियों को मैं एक एक करके मसालों में डाल दूंगी। और 1 चम्मच की सहायता से मछलियों के ऊपर मसाला डाल दूंगी। तो देखिए सारे फिश के पीसेस मैंने ग्रेवी में डाल दिया है। मछलियों को मसालों में अच्छे से डुबो देंगे। अब चिलीज को मछलियों के ऊपर रखेंगे। अब ढक्कन बंद कर देंगे। अब देखिए फिश को स्टीम करने के लिए मैंने एक बड़े पैन में पानी डाल दिया है। अब गैस ऑन करके इस पानी में अपना टिफिन बॉक्स रख दूंगी। अब ध्यान रखिए पानी का लेवल टिफिन बॉक्स से नीचे है, नहीं तो पानी टिफिन बॉक्स के अंदर चला जाएगा। अब देखिए पानी उबल रहा है, तो अब हम इसे ढककर स्टीम में पकाएंगे। करीबन 30 मिनट लगेंगे फिश पूरी तरह से पकने के लिए। करीबन 30 मिनट बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी डिलीशियस दिख रही है हमारी फिश करी, और ग्रेवी की कंसिस्टेंसी देखिए थिक और यामी। इसकी स्मेल कितनी अच्छी आ रही है वो मैं आपको वीडियो में बता नहीं पाऊंगी। तो चलिए फटाफट इसे सर्व कर देते हैं। तो देखा आपने कितना इजी है इस फिश करी को बनाना। इसे ट्रेडिशनली बॉइल्ड राइस के साथ सर्व किया जाता है। तो इसे झटपट बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे बनी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि मैं और भी तरह तरह के मज़ेदार रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर करूं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास ही में जो बेल आइकन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप देख पाएँ सबसे पहले। तो जल्द मिलते हैं किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।